लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में। राकेश, दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के झड़प के बाद प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले वकील को पुलिस द्वारा बुरी तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था, जिसके बाद इस विवाद ने तूल पकड़ा और यह विवाद इतना आगे बढ़ गया कि अब पुलिस और वकीलों में लगातार नोकझोंक की खबरें आ रही है। पिछले कुछ दिनों एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इस तस्वीर वायरल में यह दिखाया गया था कि वकीलों द्वारा यहां पर पुलिस की टीम को पीटा जा रहा है, बाइक पर से उन्हें थप्पड़ मारा गया, क्यूली से मारा गया, इसी के साथ साथ उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और कई वकीलों ने एक पुलिसकर्मी को इतना पीटा कि उन्हें दौड़कर भागना पड़ा। इसी के साथ साथ आपको बता दी चले कि जब घटना घटी थी पहली बार दिल्ली के 30,000 कोर्ट में, जब पुलिस द्वारा एक वकील को बुरी तरह घसीट कर ले जाया जा रहा था, इसी के प्रतिशोध में, इसी के विरोध में वकीलों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं दिल्ली में। इसी के साथ साथ आंदोलन भी चल रहा है और इस आंदोलन के दौरान, प्रदर्शन के दौरान राहगीरों को भी, आम लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने आम लोगों तक को नहीं बख्शा। वहीं दो महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, एक ऑटो चालक को भी बुरी तरह पीटा गया, इतना पीटा गया कि उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। यहां तक कि आपको बताते चले कि पुलिस वकीलों का जो आरोप है, ये भी आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके ऊपर फायरिंग भी की गई है, गोली चलाई गई, जिसके बाद वकीलों का जो गुस्सा है वो और भी देखा जा रहा है। इसके बाद जो दिल्ली पुलिस के जवान है उन्होंने भी अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पक्षपात हो रहा है, क्योंकि वकीलों द्वारा लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। इस हमले में कई पुलिस के जवान भी घायल हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वालों ने दोषी वकीलों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताते चले कि जो वकीलों द्वारा ये भी मांग की जा रही है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो उन पर जानलेवा हमला किया गया, गोली चलाई गई, जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके खिलाफ, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में अब तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जांच की बात कहकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन हाँ, बता दे चले कि जिस तरह से मामले सामने आए हैं, कानून को ताक पर रखते हुए जिस तरह से पुलिस और वकील दोनों इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और जिस तरह की घटनाएं हो रही है, उससे आम लोगों के दिलो दिमाग पर किस तरह का मैसेज जाएगा, किस तरह का संदेश जाएगा, वो हम सभी जानते हैं और ये बहुत ही बुरा असर देने वाला है हमारे देश की जनता के ऊपर, देश के पब्लिक के ऊपर, क्योंकि जिनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कानून को संभालने के लिए, वही कानून का मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये मामला थमता है और कब तक दोषी पुलिसकर्मी और दोषी वकीलों पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल नेशन भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट, साथ ही आप खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ताजा वीडियो नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।